आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत यूएई में 19 सितंबर से होनी है। टूर्नामेंट से पहले फ्रेंचाइजियों को खिलाड़ियों को शामिल करने और विकल्प के बारे में सोचने की टोपी खुली रखना है, ताकि बीसीसीआई ने अब फ्रेंचाइजियों को उन खिलाड़ियों को लाने की अनुमति दे दी है जिन्होंने उन्हें चोट के कारण या फिर भारत में जब टूर्नामेंट हुआ था तब विकल्प के रूप में बदला था। इससे दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर और टी नटराजन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। आईपीएल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हेमंग अमीन ने समझाया है कि जिन खिलाड़ियों को विकल्प बनाकर लाया गया था उन्हें दूसरे चरण के लिए रिटेन करना मुश्किल है, लेकिन वह आईपीएल के रजिस्टर्ड पूल ऑफ प्लेयर्स का हिस्सा बने रहेंगे। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने साथ ही कहा है कि अगर किसी कारण इसलिए खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी ने रिलीज किया तो वह रजिस्टर्ड पूल में जगह नहीं बना पाएंगे। इससे पहले उन्होंने जानकारी दी थी कि आईपीएल फ्रेंचाइजी को विकल्प खिलाड़ियों की लिस्ट 20 अगस्त तक जमा करनी होगी। इनके हवाले से ESPN क्रिक इन्फो ने कहा था, अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल 2021 का भारतीय चरण में चोटी होने या वजह से उपलब्ध नहीं रहा और अगर वो फिट हो व खेलने के लिए उपलब्ध हो तो फिर फ्रेंचाइजी को उस खिलाड़ी और उसके विकल्प के रूप में चुने गए खिलाड़ियों में से किसी एक को चुनना होगा। असल श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल के नियमित कप्तान है, लेकिन इस साल की शुरुआत में वह कंधे की चोट के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सके थे। अय्यर की जगह ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल की कमान संभाली थी और पहले चरण में टीम का शानदार नेतृत्व किया था। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के दिल्ली कैपिटल की टीम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन यह देखना रोचक होगा कि अब कमान अय्यर और पंत में से किसके हाथों में लगी। टी नटराजन की वापसी से सनराइजर्स हैदराबाद का हौसला बढ़ेगा। टीम इस समय अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है और अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे किसी चमत्कार की जरूरत होगी। नटराजन को घुटने में चोट के कारण आईपीएल से बाहर होना पड़ा था। कई खिलाड़ियों ने आईपीएल 2021 के दूसरे चरण से अपना नाम वापस ले लिया है। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण के 31 मैच यूएई में खेले जाएंगे। गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 19 सितंबर को पहले मुकाबले में आमने सामने होंगी।